हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? आशा है आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और आपकी तैयारी बेहतर चल रही होगी। गाइज, आज आपके लिए हाजिर है कंप्यूटर की मैराथन क्लास, जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगी। और इसमें से कंप्यूटर के आई थिंक सारे क्वेश्चन, जो जितने भी कंप्यूटर के आएंगे, सब इसी से कवर हो जाएंगे। तो गाइज, ये सीरीज आपके लगभग 300 से या 350 तक की प्रश्न इसमें आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखें और आपको जहां पर एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत होगी वहां पर एक्सप्लेनेशन भी दिया जाएगा। तो चलिए गाइज, अगर आप विजिट कर रहे हैं हमारे चैनल पर पहली बार, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए बात करते हैं आज के सेशन के फर्स्ट क्वेश्चन की। आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? तो गाइज, आप सभी जानते हैं, जैसा कि मिस्टर चार्ल्स बैबेज जी हैं, जो कि इंग्लैंड के है ना, और गणितज्ञ हैं। ये भी पूछा जाता है, कंप्यूटर के जनक मिस्टर चार्ल्स बैबेज क्या हैं? वैज्ञानिक हैं, इंजीनियर हैं, या गणितज्ञ हैं, अथवा नन ऑफ ए बोथ? तो इसमें आपको गणितज्ञ लगाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? तो क्या जो सबसे पहला कंप्यूटर बना था वो है हमारा, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, ENIAC, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, जो कि 1946 में बना था, अमेरिका की पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में बना था। एंड इसको बनाया किसने था? प्रोफेसर JP एगर्ट एंड JW मोचली ने बनाया था। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई थी? तो गाइस, इसका राइट आंसर है हमारा, अभी हमने बताया है, जैसा कि आपको, 1946 में हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब आई? तो गाइस, कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति आई थी 1960 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? हिंदी में क्या कहा जाता है कंप्यूटर को? तो हिंदी में कंप्यूटर को संगणक कहा जाता है, ठीक है, और एक संगणक भी कहते हैं, इसके अलावा अभिकलित्र भी कहा जाता है कंप्यूटर को, ठीक है। कंप्यूटर को हिंदी में अभिकलित्र भी कहा जाता है, इसे नोट डाउन कर लीजिए आप, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो गाइस, कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CPU का पूर्ण रूप क्या होगा? तो CPU का पूर्ण रूप होगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है ना, यहाँ पर यूनियन है तो रॉन्ग है, बाकी प्रॉब्लम यूनिट भी नहीं होगा, ठीक है गाइस। अक्सर इसमें जो है बच्चे कहाँ पर कंफ्यूज होते हैं, सेंट्रल और कंट्रोल में। ऑप्शन आपको दिया होगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, दूसरा ऑप्शन होगा आपका कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, तो बच्चे कंट्रोल और सेंट्रल में कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जाम हॉल में। तो आपको पता होना चाहिए कि CPU जो है हमारे कंप्यूटर का मेन भाग होता है ना, मेन पार्ट होता है, तो जो चीज़ मेन होती है उसको सेंट्रल बोलते हैं, केंद्र बोलते हैं, है ना। तो इसीलिए CPU जो है कंप्यूटर का एक केंद्रीकृत भाग है, तो केंद्रीकृत मतलब सेंट्रल, तो सी फॉर सेंट्रल होगा, है ना, नॉट कंट्रोल, ठीक है, कंट्रोल नहीं होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे, इनमें से सर्च इंजन नहीं है, कौन सा सर्च इंजन नहीं है? तो वोलफ्रेम अल्फा सर्च इंजन नहीं है, बाकी जो दिए गए हैं वो हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, निम्न में से कौन इनपुट इकाई है? इसमें से आपको बताना है इनपुट डिवाइस कौन सी है। ऑप्शन से माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, इनमें से सभी, तो ये तीनों हमारे इनपुट डिवाइस हैं, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 KB कितने बाइट के बराबर होती है? तो गाइज, 1 KB जो है हमारी कितने बाइट के बराबर होती है? 1024 बाइट के बराबर होती है, यही आंसर हमारा राइट होगा। हाँ गाइज, तो इस क्वेश्चन का मैं एक्सप्लेनेशन कर देती हूँ आपको, है ना, कि KB, MB, GB क्या होता है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आने की 100% संभावना है। तो गाइज, 8 बिट्स जो है एक बाइट के बराबर होती है, 1 बिट्स जो है एक बाइट के बराबर होती है, ठीक है, और 1024 बाइट्स जो है मिल करके क्या बनाती हैं, 1 KB बनाती हैं, 1 KB बनाती हैं, ठीक है, और 1024 KB बराबर 1 MB, एंड 1024 MB बराबर 1 GB, और 1000 GB बराबर 1 TB, ठीक है गाइस। मतलब जो जिससे छोटा है उसमें सब में 1000 1000 ही आ रहा है ना, TB से छोटा GB, GB से छोटा MB, MB से छोटा KB, तो 1 TB में 1024 GB, और 1 GB में 1024 MB, और 1 MB में 1024 KB, राइट गाइज, समझ में आ गया होगा, है ना। और गाइज, अगर एक को जंप करा देता, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, अगर पूछ दिया जाए 1 GB में 1 GB बराबर 1 GB बराबर कितना KB होगा, 1 GB बराबर कितना KB होगा, तो गाइज इसमें GB के बाद देखो MB को स्किप किया है क्वेश्चन ने ना, तो इसका आंसर गाइज इसमें क्या करेंगे, 1024 का मल्टीप्लाई 1024 से करेंगे, तो इसका आंसर आएगा 10,48,576, 10,48,576
76, तब गाइज ये आंसर होगा। तो आप ये सीरीज याद कर लेना है ना, इसका स्क्रीनशॉट आप चाहो तो आप ले सकते हो, ठीक है। बिट्स फिर बाइट, केबी, एमबी, जीबी, टीबी, और मोबाइल में भी आप डेटा डलाते हैं तो आपको ये चीज़ ईजिली समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, 1 मेगाबाइट अर्थात 1 MB में कितने बाइट्स होते हैं। तो इसमें MB है, MB से छोटा क्या होता है, KB होता है, तो हमको KB ढूंढना है, तो है ना, KB ढूंढना है। 1 MB में कितने, 1 मेगाबाइट में कितने कितने बाइट के बराबर होता है, तो हमको KB ढूंढना है ना, 1024 किलोबाइट के बराबर होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1 गीगाबाइट मतलब 1 GB में कितने बाइट के बराबर होता है। तो GB से छोटा क्या होता है, हमारा MB होता है ना, मोबाइल में हमारे डेटा कटता है तो MB GB है ना, KB जब हम वीडियो डाउनलोड करते हैं कितने KB की है, मूवी डाउनलोड करते हैं ना, तो ये चीज़ हमें यहाँ पे उसको ध्यान करना है तो हमें ईजिली समझ में आएगा। 1 GB बराबर कितने बाइट होते हैं, तो कितने बाइट मतलब GB से छोटा MB होता है, तो 1024 MB वाला हमारा आंसर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, कंप्यूटरों में प्रयुक्त IC चिप बनते हैं, तो IC चिप किससे बनता है, सिल्वर से बनता है कि सिलिकॉन से बनता है। तो गाइस इसका राइट आंसर होगा कि IC चिप जो है हमारा सिलिकॉन से बनता है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब होगा। और IC का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है, जो एक सिंगल सिलिकॉन चिप होती है, और IC का प्रयोग 3rd जनरेशन के कंप्यूटरों में किया गया था सर्वप्रथम। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन है, इंटरनेट के पते में पद HTTP का फुल फॉर्म बताना है आपको। तो गाइज इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो देखते हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः कौन सी होती है, जो बच्चों द्वारा भाषा प्रयुक्त की जाती है वो कौन सी होती है। तो गाइज वो भाषा होती है हमारी लोगो, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक सुवाह्य निजी कंप्यूटर जो आपकी गोद में रखने लायक छोटा सा होता है क्या कहलाता है। तो छोटा अर्थात माइक्रो, देखते हैं माइक्रो कहाँ पे है, माइक्रो नहीं है गाइज इसमें, तो माइक्रो नहीं है तो कौन सा हो जाएगा, टेबलेट हो जाएगा, मतलब टेबलेट भी तो माइक्रो कंप्यूटर का ही उदाहरण है, नोटबुक कंप्यूटर हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोडांतरक एक प्रोग्राम है, वह निम्नलिखित में से किस प्रोग्राम का रूपांतरण करता है, ठीक है। तो गाइज इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कोडांतरण से मशीन तक, ठीक है, मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मल्टी प्रोसेसिंग होती है, मल्टी प्रोसेसिंग क्या होती है, एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा, है ना, मल्टी प्रोसेसिंग होती है एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑप्टिकल मेमोरी है, निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी है, तो गाइज ऑप्टिकल मेमोरी है CD-ROM, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CPU में कंट्रोल मेमोरी और तीसरा यूनिट कौन सा होता है। CPU के 3 पार्ट होते हैं ना, एक CU होता है जिसको कंट्रोल यूनिट कहते हैं, एक MU होता है जिसको मेमोरी यूनिट कहते हैं, तीसरा कौन सा होता है। तो गाइस तीसरा होता है ALU, है ना, ALU होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। तो इसमें इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, CPU के LU में होते हैं, CPU के LU में क्या होता है, रैम स्पेस होता है या बाइट स्पेस होता है या रजिस्टर होता है, इनमें से सभी। तो गाइज CPU के ALU में अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, रजिस्टर तो गाइज उसमें होता है ना, मेमोरी में, रैम स्पेस बाइट स्पेस, इसको गाइज स्किप करते हैं ना, इसका राइट आंसर मुझे नहीं समझ आ रहा, और आंसर में रजिस्टर दे रखा पर रजिस्टर नहीं होगा। गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है, तो गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के ALU का प्रयोग, ALU भाग का प्रयोग किया जाता है। सभी प्रकार की भाषाएं चाहे वो लॉजिकल हो, सभी प्रकार की कैलकुलेशन ALU में ही होती हैं, चाहे वो लॉजिकल कैलकुलेशन हो या नॉर्मल सिंपल हो। क्वेश्चन है, एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है ना, क्या कहलाता है। तो एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है क्या कहलाता है, प्रोसेसर कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
प्रोसेसर के तीन मुख्य भाग होते हैं, कौन कौन से होते हैं हमने आपको बताया, सीयू होता है कंट्रोल यूनिट, एएलयू होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, और एमयू होता है मेमोरी यूनिट। तो कहाँ पे हमारा आंसर राइट होगा, एएलयू कंट्रोल और रजिस्टर। देखिएगा इस मिल गया है ना, हमने कहा था रजिस्टर आपका मेमोरी यूनिट का भाग है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एएलयू कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है CPU और IU, IO इनपुट आउटपुट है ना, IO का मतलब होता है इनपुट आउटपुट के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को नियंत्रित कौन करता है, तो कैसे कौन करता है, कंट्रोल यूनिट करता है। जो बच्चे ऑफलाइन हमसे पढ़े हैं है ना, उनको पता होगा कैसे मैंने डायग्राम बना करके बताया है इसको, अच्छे एग्जांपल दे करके कंट्रोल यूनिट का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन है, कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन क्या है, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU की बात की जा रही है ना यहाँ पे, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गणनाएं और प्रोसेसिंग करता है CPU, फंक्शन अर्थात कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है, बुनियादी अर्थात कृत्रिम है ना, तो इसका राइट आंसर होगा गाइज, टेक्स्ट को स्कैन करना। हमारा कंप्यूटर क्या नहीं करता, डेटा को प्रोसेस भी करता है, इनपुट को भी स्वीकार करता है, डेटा को स्टोर भी करता है, लेकिन टेक्स्ट को स्कैन नहीं करता है, स्कैन तो स्कैनर की सहायता से करेंगे ना, तो हमारा यही आंसर राइट हो जाएगा, बुनियादी मतलब नेचुरल कार्य नहीं है ना। परिचालन संपन्न करता है, क्या संपन्न करता है, तो परिचालन जो है अर्थमेटिक कैलकुलेशन संपन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होती है, तो कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होती है, तो गाइस CPU में होती है, सिंपल सी बात है, प्रोसेसिंग के लिए CPU को ही यूज करते हैं, और CPU को क्या कहते हैं, माइक्रो प्रोसेसर या प्रोसेसर नाम से भी जानते हैं CPU को। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, क्वेश्चन नंबर 30 कि कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है, चलिए देखते हैं कौन सा कार्य नहीं करता है, प्रोसेसिंग करता है, इनपुटिंग करता है, आउटपुटिंग करता है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग नहीं है, इसमें समझ नहीं है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करती है, प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करती है, किसमें लगती है, तो ये CPU में ही लगती है हमारी मेन मेमोरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे क्या कहा जाता है, सॉफ्टवेयर कहा जाता है या माइक्रोचिप या मैक्रोचिप या सभी कथन सत्य हैं, तो क्या जिसको माइक्रोचिप कहते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम, ठीक है, कंप्यूटर द्वारा जो प्रोड्यूस किया जाता है परिणाम मतलब उत्पन्न किया जाता है उसको क्या कहते हैं, तो आउटपुट कहते हैं, कंप्यूटर द्वारा जो परिणाम दिया जाता है वो आउटपुट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है, तो किसके द्वारा किया जाता है, ये CPU द्वारा महान कार्य किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोसेस्ड डेटा को कहते हैं, जो डेटा प्रोसेस्ड हो जाता है उसको क्या कहते हैं, प्रोसेस्ड डेटा, यहाँ सेकंड फॉर्म लगी है, मतलब प्रोसेस किए गए डेटा को क्या कहते हैं, जो डेटा प्रोसेस हो जाता है उसको आउटपुट कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, CPU का मुख्य घटक है, तो CPU का मुख्य घटक क्या होगा, ऑप्शन से देखते हैं, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट या ये सभी, तो गाइस CPU का मुख्य घटक जो होगा इन तीनों में अगर तुलना किया जाएगा तो कंट्रोल यूनिट सबसे मुख्य होगा, CPU के अंदर की बात अगर की जाएगी तो, है ना, और CPU के अंदर की ही बात की जा रही है कि CPU का मुख्य घटक कौन सा है, वैसे तो तीनों CPU के ही घटक हैं लेकिन मुख्य घटक की बात की जाएगी तो कंट्रोल यूनिट ही की जाएगी, क्योंकि कंट्रोल यूनिट ही CPU के अंदर एज ए मॉनिटर, एज ए सुपरवाइजर कार्य करता है, वही CPU के अंदर डेटा को एक यूनिट से दूसरे यूनिट में भेजना है वही भेजता है, और कंट्रोल यूनिट ही डेटा को रिसीव करता है सबसे पहले और वही हमारे मॉनिटर तक भी पहुंचाता है, तो मेन रोल कंट्रोल यूनिट का ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, कंप्यूटर की क्षमता क्या होती है, निम्न होती है, उच्च होती है, सीमित होती है, असीमित होती है, तो गाइज क्षमता कंप्यूटर की सीमित ही टिक करेंगे हम लोग, है ना, सीमित होती है, जितनी इसको पावर मिलेगी उसी हिसाब से वो वर्क करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और सीमित इस प्रकार से भी कह सकते हैं, उसमें जितनी स्टोरेज होगी उतना ही वो डेटा स्टोर कर सकता है ना, तो असीमित नहीं है, सीमित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है, तो कंप्यूटर किस प्रकार की बुद्धि है, मानव है या कृत्रिम है या शुद्ध है या अन्य है, तो भाई कृत्रिम बुद्धि की संज्ञा दी गई है ना, क्योंकि कृत्रिम किन चीज़ों को कहते हैं, जो ह्यूमन बनाता है, मानव बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है, मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है, कैसी होती है, सामान्य होती है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक होती है? मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक होती है? तो गाइस यहाँ पर तो मानव मन ही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ईडीपी क्या है? ईडीपी का फुल फॉर्म बताना है आपको, इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में सूचना किसे कहते हैं? डेटा को कहते हैं, या संख्याओं को, अथवा एकत्रित डेटा को, या ये सभी? तो गाइस कंप्यूटर में सूचना किसे कहते हैं? एकत्रित डेटा को कहते हैं, ठीक है। और डेटा में आ जाता है आपका अल्फाबेटिक न्यूमेरिक सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? अब बात आ गई डेटा की, तो ऑप्शन है चिन्ह को, संख्या को, दी गई सूचनाओं को, चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को। तो गाइस डेटा जो है चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर अल्फाबेटिक भी होता तो और ज़्यादा सही रहता है ना। डेटा इज द कलेक्शन ऑफ अल्फाबेटिक न्यूमेरिक अल्फा न्यूमेरिक एंड सिंबल्स। तो चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण करना है तो किसके द्वारा करेंगे? सीपीयू के द्वारा ही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? जो कंप्यूटर में डाटा जाएगा उसको क्या कहेंगे? इनपुट कहते हैं। इनपुट है, हाँ है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ है? तो क्या डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ होता है वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एटीएम क्या होता है? एटीएम क्या होता है? तो एटीएम का बिना स्टाफ के नकदी देने का यंत्र होता है ना, डिवाइस होती है, मशीन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं, किसे किया जाता है? कंप्यूटर प्रोसेसिंग के द्वारा इंफॉर्मेशन में चेंजमेंट, तो डेटा को किया जाता है ना, डेटा को प्रोसेसिंग के द्वारा एक सूचना में चेंज किया जाता है, बदला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। तो गाइस इसका राइट आंसर होगा हमारा प्रोसेसर, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रथम गणना यंत्र है, तो प्रथम गणना यंत्र कौन सा है? अबेका से, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैकमैन, अबेकस को गिनतारा भी कहते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बना था? तो ये किस काम के लिए बना था? खेल के लिए बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया? तो प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण ब्लेज पास्कल ने किया, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसने पंच कार्ड का आरंभ किया? तो पंच कार्ड का आरंभ किसने किया, चलिए देखते हैं। इसमें गाइस ऑप्शन सही है आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं है ना, इनमें से कोई नहीं, ना ही जैकवार्ड ने किया, ना ही पावरस ने किया, ना ही पास्कल ने किया। पास्कल ने तो पास्कल लाइन का कंप्यूटर का आविष्कार किया था, क्योंकि पंच कार्ड का आविष्कार गाइज हरमन होलेरिथ ने किया था, ठीक है, हरमन होलेरिथ ने। और इन्होंने एक कंपनी बनाई थी और बाद में उसी कंपनी का नाम बदल करके क्या रख दिया था? IBM रख दिया था, ठीक है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर के बुनियादी संरचना का विकास किया था? तो कंप्यूटर के बुनियादी संरचना का विकास किसने किया था? चार्ल्स बेबेज ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज, सबसे महंगा कंप्यूटर है? तो सबसे बड़ा, सबसे तेज, सबसे महंगा हमारा होगा सुपर, जो सुपर होगा वही सबसे बड़ा, सबसे महंगा, सबसे तीव्र गति से कार्य करने वाला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर कौन सा है, जो सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डिजिटल कंप्यूटर, ठीक है। गाइज क्वेश्चन कई प्रकार से बन सकता है, जैसे पूछा जाए किसी कैफे में या किसका प्रयोग किया जाता है, तो डिजिटल कंप्यूटर का। किसी कंप्यूटर सेंटर में किसका प्रयोग किया जाता है? डिजिटल कंप्यूटर में, ठीक है, डिजिटल कंप्यूटर का। या पूछा जाए एक महिला बजट बनाने के लिए, घरेलू बजट बनाने के लिए किस प्रकार का कंप्यूटर प्रयोग करेगी, और ऑप्शन में यही सारे हों तो आपका डिजिटल ही आएगा, ठीक है। और उधर हो सुपर, मिनी, मेन फ्रेम, माइक्रो, तो माइक्रो आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्रे क्या है? तो गाइस क्रे हमारा सुपर कंप्यूटर है, विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर हमारा क्रे फर्स्ट था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर से शुरू हुआ? तो मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग तृतीय पीढ़ी से शुरू हुआ, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गाइस, इसमें एक बार प्रोसेसर बता देती हूँ आपको, है ना, मल्टी प्रोग्रामिंग तृतीय पीढ़ी होगा, ठीक है, तृतीय पीढ़ी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना? तो विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर बना था 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, भारत में निर्मित प्रथम
कंप्यूटर का नाम क्या था? तो जो भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर था उसका नाम था सिद्धार्थ। ऑप्शन हमारा बी सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा होता है? तो सबसे तेज सुपर ही होता है कहीं? हाँ, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? अर्थात माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग है ना किस पीढ़ी में किया गया? तो चतुर्थ पीढ़ी में किया गया। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब होगा। तो गाइज इसमें आपको सभी पीढ़ी के प्रोसेसर से हम बता देते हैं आपको कि किस पीढ़ी में किस प्रोसेसर का प्रयोग किया गया। तो चलिए देखते हैं, प्रथम पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब्स का प्रयोग किया गया एज ए प्रोसेसर, ठीक है। द्वितीय पीढ़ी में आपके ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया और तृतीय पीढ़ी में आईसी का प्रयोग किया गया, ठीक है, आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट्स का प्रयोग किया गया। तो गाइस ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा, प्रथम पीढ़ी वैक्यूम ट्यूब, द्वितीय पीढ़ी ट्रांजिस्टर, तृतीय पीढ़ी में आईसी का प्रयोग और चतुर्थ पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? तो परम जो है हमारा सुपर कंप्यूटर है, ठीक है, जो भारत में बना सुपर कंप्यूटर। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत के प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है, तो परम होगा आपका आंसर, ठीक है। तो भारत में नाम बड़े ढूंढ ढूंढ के रखता है भारत, एक तो सिद्धार्थ है ना, जो नॉर्मल कंप्यूटर है वो सिद्धार्थ है भारत का पहला, और सुपर है पूछा जाए तो वो परम है, और परम में भी आगे कुछ सीरीज दी हो तो परम 8000 है हमारा पहला कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और गांव में आप लोग बोलते भी होंगे वो लड़का बहुत परम है, या अरे यार आप बहुत परम हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गणना संयंत्र अबेकस का आविष्कार किस देश में हुआ? तो अबेकस का आविष्कार चीन में हुआ, ठीक है, गाइस लिकाई चेन ने किया था, बताया है मैंने ऊपर शायद। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आई मैक एक प्रकार का है, आई मैक क्या है एक प्रकार का? तो गाइस आई मैक जो है हमारा मशीन है एक प्रकार का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मशीन है, ठीक है, एनालिटिकल इंजन का निर्माण किसने किया था? तो एनालिटिकल इंजन का निर्माण जो है मिस्टर चार्ल्स बैबेज ने किया था। कब किया था? 1833 में, ठीक है। और यही एनालिटिकल इंजन ही जो है हमारे जो आजकल के कंप्यूटर हैं इन्हीं की आधारशिला है, अर्थात आधुनिक कंप्यूटर की आधारशिला कौन है? एनालिटिकल इंजन। किसने किया आविष्कार? चार्ल्स बैबेज ने। कब किया? 1833 में, ठीक है। इससे पहले इन्होंने 1822 में बनाया था डिफरेंस इंजन, जो असफल हुआ था, सक्सेस नहीं हुआ था, है ना, अनसक्सेस रहा था। फिर उन्होंने ठीक 10 साल बाद एनालिटिकल इंजन बनाया और यही हमारे आधुनिक कंप्यूटर की आधारशिला थी, इसीलिए इन्हें कंप्यूटर का जनक कहा जाता है, चार्ल्स बैबेज को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया? तो सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग जो है जोसेफ मेरी ने किया। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाँ तो अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो सर्वाधिक योगदान जॉन वॉन न्यूमान का है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब होगा, जॉन वॉन न्यूमान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया? तो इंटीग्रेटेड कहाँ गए, जो क्लास वाले बच्चे उनको पता होगा, आईसी अर्थात किल्वी, आईसी किल्वी अर्थात जेएस किल्वी ने किया इंटीग्रेटेड सर्किट का आविष्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? तो गाइस चुंबकीय डिस्क पर आयरन ऑक्साइड की परत होती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो डिजिटल कंप्यूटर हमारा जो है क्या करता है, किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये जो है गणना सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया? गाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो परम सुपर कंप्यूटर का विकास जो है सीडेक ने किया। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है ना, सीडेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से तेज कौन सा है? रजिस्टर्स हैं या सीडी रोम या रैम या कैश? तो इसमें गाइज निम्न में से सबसे तेज कौन सा है? तो सबसे तेज गाइज कैश मेमोरी होती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एनईए को बनाया था हमने स्टार्टिंग में इसका क्वेश्चन पढ़ा था कि भारत का या विश्व का पहला कंप्यूटर कौन सा था, तो एनईए हमने बताया था ना, और वहाँ पर हमने इसका आविष्कार किसने किया ये भी बताया था। तो इसको किसने किया था, प्रिंसिपल एकर्ट और जॉन मोसले, है ना, जेपी एकर्ट या जेडब्ल्यू मोसली, दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डॉट मैट्रिक्स किस प्रकार की उपकरण है, मतलब कैसी उपकरण है? तो डॉट मैट्रिक्स एक प्रकार का प्रिंटर होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा,
कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? 12 होती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है? एक अक्षर गाइस कैरेक्टर प्रिंटर में होता है, और कैरेक्टर प्रिंटर किसका उदाहरण है? लाइन प्रिंटर का, है ना। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? ऑप्शन है मॉनिटर, मैग्नेटिक टैप, जॉयस्टिक, मैग्नेटिक डिस्क। तो ये सभी सही हैं, लेकिन मॉनिटर हमारी आउटपुट डिवाइस है तो नहीं पूछ रहा, तो यही हमारा आंसर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है, तो सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर कौन सा होगा? ये लेजर प्रिंटर होता है गाइस, है ना, लेजर प्रिंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन LCD का पूरा नाम, तो LCD का पूरा नाम होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कंप्यूटर के मेमोरी में डाले गए कार्य को प्रदर्शित करता है, कौन प्रदर्शित करता है? मॉनिटर करता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब होगा। गेम खेलना किससे आसान होता है? तो गेम खेलना किससे आसान होता है? जॉयस्टिक से। जॉयस्टिक एक प्रकार की गेम खेलने वाली ही डिवाइस है, जो कि इनपुट डिवाइस है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंट्रोल शिफ्ट और आल्ट कौन सी कुंजियां होती हैं? तो ये गाइस मॉडिफायर कुंजियां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अधिकांश प्रोडक्ट्स पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्नों को क्या कहते हैं? तो प्रिंटेड लाइनों, जो प्रिंटेड लाइनें होती हैं, है ना, ऐसे ऐसे करके, उनको क्या कहते हैं? उनको बार कोड्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब होगा। अधिकांश प्रोडक्ट्स अर्थात अधिकांश उत्पाद पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है OCR का फुल फॉर्म क्या होगा? तो OCR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, और OCR एक प्रकार की, सॉरी, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन, ठीक है, और ये एक प्रकार की इनपुट डिवाइस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? प्रिंटर, मॉनिटर, प्लॉटर आउटपुट डिवाइस हैं, टच स्क्रीन इनपुट डिवाइस है, तो यही हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा व्यक्तिगत कंप्यूटर है तो सबसे साधारण स्टोरेज डिवाइस है कौन सी है? फ्लॉपी डिस्क। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को कैसे मापा जाता है? तो ये डायगोनली मापा जाता है, ठीक है, जैसे ये है हमारा मॉनिटर तो इसको ऐसे मापा जाता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्यूटर में प्रिंटेड डायग्राम पाने के लिए यूज किया जाने वाला इनपुट डिवाइस, प्रिंटेड डायग्राम पाने के लिए यूज किया जाता है उस इनपुट डिवाइस को क्या कहते हैं? तो उस इनपुट डिवाइस बताना है ना, स्कैनर कहते हैं। स्कैनर से हम हार्ड कॉपी को स्कैन करके कंप्यूटर में ले जा सकते हैं ना, वही। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया? तो ये डॉक्टर डगलस सी एंजल वर्ड ने, है ना, एंजल बर्ड लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जब पीसी पर अर्थात पर्सनल कंप्यूटर पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से स्टोर होती है, किसमें स्टोर होती है? रैम में, ठीक है। रैम हमारी कैसी मेमोरी है? अस्थायी मेमोरी है। अस्थायी मेमोरी को क्या कहते हैं? वोलाटाइल मेमोरी कहते हैं, ठीक है, वोलाटाइल मेमोरी कहते हैं। और रैम हमारी रीड एंड राइट टाइप मेमोरी होती है, जबकि रोम होती है हमारी ओनली रीड टाइप, ठीक है। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी को क्या कहते हैं? तो मुख्य मेमोरी हमारी कैसी होती है? भीतरी होगी ना, इंटरनल मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंध रखती है? तो फ्लॉपी डिस्क हमारी सेकेंडरी मेमोरी होती है अर्थात एक्सटर्नल मेमोरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रैम किस प्रकार की मेमोरी है? तो रैम किस प्रकार की मेमोरी है? रैम हमारी भीतरी और मुख्य मेमोरी दोनों हो जाएगा, तो यहाँ पर हम इंटरनल की जगह मेन लगाएंगे, है ना, मुख्य लगाएंगे, क्योंकि ये बेटर ऑप्शन है भीतरी की अपेक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से रैम नहीं है, तो रैम क्या नहीं है? पी रैम, डी रैम, एफ फ्लैश या रैम? तो गाइज इसमें रैम जो है पी रैम कोई नहीं होता है, डी रैम होता है डायनेमिक रैम, है ना, एस रैम स्टैटिक रैम, और फ्लैश मतलब एस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेल फोनों में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइसों का उपयोग किया जाता है? तो सेल फोनों में कैश मेमोरी का उपयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है? वर्चुअल है या प्राइमरी है या सेकेंडरी है अथवा इनमें से कोई नहीं? तो इंटरनल स्टोरेज कैसा होगा? प्राइमरी होगा। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है? तो रैम में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीडी को कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो सीडी को गाइस और किस नाम से जानते हैं? ऑप्टिकल डिस्क भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया हमने। सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है, तो सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइस कौन सी होती है? मैग्नेटिक, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब होगा। नेक्स्ट है हमारा, सीडी से आप क्या कर सकते हैं? पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, या पढ़ और लिख दोनों सकते हैं, या केवल एक ही कर सकते हैं, या तो पढ़ सकते हैं या लिख सकते हैं। तो गाइस सीडी अर्थात कॉम्पैक्ट डिस्क, इससे हम लोग पढ़ और लिख दोनों सकते हैं ना। सीडी आप ब्लैंक खरीद लीजिए, उसमें चाहे जो पीपीटी प्रेजेंटेशन बना करके उसमें रखिए, है ना, तो उसको पढ़ भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है? तो ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण होगा ऑप्शन नंबर सी, डिजिटल वर्साटाइल डिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी डिवाइस प्रोग्राम और डाटा के बीच अंतर समझ सकती है? तो कौन सी डिवाइस अंतर समझ सकती है? माइक्रो प्रोसेसर, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डीवीडी का उदाहरण है, डीवीडी का उदाहरण डिजिटल वर्साटाइल डिस्क, इसका फुल फॉर्म होगा, है ना। तो डीवीडी किस प्रकार का उदाहरण है, किसका उदाहरण है? देखते हैं, यह जो है ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी को क्या कहा जाता है? प्रमुख मेमोरी को क्या कहते हैं? प्राइमरी, आंतरिक, प्राथमिक, ये तीनों कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या है? तो डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? फॉर्मेटिंग कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से क्या स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण नहीं है? तो रैम नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइल सिस्टम स्थाई रूप से संग्रहण में रहता है, फाइल सिस्टम स्थाई रूप से किस में रहती है? तो ये गाइस सेकेंडरी में, सेकेंडरी मेमोरी में स्थाई रूप से रहती है। फाइल सिस्टम स्थाई रूप से संग्रहण में रहता है सेकेंडरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, डीवीडी क्या है? तो डीवीडी डिजिटल वर्साटाइल डिस्क है, ठीक है। और डिजिटल वीडियो डिस्क, डिजिटल वर्साटाइल डिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सीपीयू के लिए सामान्य गणित परफॉर्म करता है। तो सीपीयू के लिए सामान्य गणित कौन परफॉर्म करता है? एलयू करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स के बीच इंफॉर्मेशन किसके माध्यम से ट्रेवल करता है? तो किसके माध्यम से ट्रेवल करता है? बस के माध्यम से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का मुख्य पटल क्या कहलाता है? मुख्य पटक क्या, पटल क्या कहलाता है? मदरबोर्ड कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पीसी का पूरा नाम क्या होता है? तो पीसी का पूरा नाम होता है पर्सनल कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सेसरीज जिस स्थान पर सिस्टम यूनिट से जुड़ते हैं उसे क्या कहते हैं? एक्सेसरीज जिस स्थान पर सिस्टम यूनिट से जुड़ते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे पोर्ट कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में IBM का पूरा नाम बताना है। तो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्डों से कौन सा पोर्ट जोड़ता है? तो कौन सा पोर्ट जोड़ता है? MIDI, MIDI, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संपूर्ण कंप्यूटर प्रणाली के लिए संप्रेषण नियंत्रण करता है, कौन करता है? मदरबोर्ड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिस्क को पढ़ने के लिए प्रयोग में आने वाला हार्डवेयर है, तो कौन सा हार्डवेयर होगा? हमारा डिस्क ड्राइव हार्डवेयर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स वाले थिन प्लेट या बोर्ड को क्या कहते हैं? तो इसे सर्किट बोर्ड कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक्सपेंशन कार्ड किसमें इंसर्ट किए जाते हैं? तो ये स्लॉट में इंसर्ट किए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की घड़ी की स्पीड गणना किसमें की जाती है? तो घड़ी की स्पीड की गणना जो है बिट में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मदरबोर्ड में क्या रहता है जो मदरबोर्ड पर सीपीयू को दूसरे पुर्जों से जोड़ता है? तो ऐसा क्या होता है? उसमें सिस्टम बस होते हैं ना, जो मदरबोर्ड को सीपीयू के अन्य पुर्जों से जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, किसका उपयोग करते हुए पहला कंप्यूटर प्रोग्राम किए गए थे? ठीक है, तो मशीन लैंग्वेज का प्रयोग करते थे ना, तो मशीन लैंग्वेज इसका राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किसने बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किया था? बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किसने किया था? जॉन जी कैमी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास कब हुआ था? तो बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास 1964 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन क्या कहलाता है? तो चित्र के रूप में प्रदर्शन फ्लो चार्ट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका गाइस राइट आंसर होगा फोरट्रॉन। फोरट्रॉन हमारी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी है? कोबोल कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ये जो है व्यावसायिक कार्य के लिए प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों में किया जाता है? तो अभी आपने देखा है कोबोल होगा, है ना। नेक्स्ट है, अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा है, तो ये कोबोल होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक हैं? जावा के आविष्कारक हैं सन माइक्रोसॉफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे, सारे कंप्यूटर में क्या लागू होती है? कौन सी भाषा? मशीनी भाषा सारे कंप्यूटरों में लागू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज है कौन सी? है जावा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली विशेष रूप से किस हेतु प्रयोग में लाई जाती है? तो ये किसके लिए लाई जाती है? वेब सर्वर्स के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती है? तो किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती है? तो गाइज इसका राइट आंसर है मशीनी लैंग्वेज को, है ना। मशीनी लैंग्वेज तो मशीनी होती है, इसको किसी लैंग्वेज ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती है, जबकि हाई लेवल को होती है। हाई लेवल लैंग्वेज को कौन ट्रांसलेट करता है? तो हाई लेवल लैंग्वेज को जो है इंटरप्रेटर और कंपाइलर जो है ट्रांसलेट करते हैं। इंटरप्रेटर और कंपाइलर जो है लैंग्वेज ट्रांसलेटर हैं, और जबकि असेंबली लैंग्वेज को असेंबलर ट्रांसलेट करता है, किसमें? मशीनी लैंग्वेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है? तो मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गलती एक एल्गोरिथम है जिसके गलत परिणाम निकलते हैं, इसे क्या कहते हैं? इसे लॉजिकल एरर कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मशीन लैंग्वेज क्या प्रयोग करती है? मशीन लैंग्वेज गाइस न्यूमेरिक कोड प्रयोग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर डाटा स्टोर और गणनाएं करने के लिए नंबर सिस्टम का प्रयोग करते हैं, किस नंबर सिस्टम का प्रयोग करते हैं? बाइनरी नंबर सिस्टम का प्रयोग करते हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम अर्थात द्वि आधारित संख्या पद्धति, जिसके डिजिट क्या है? 0 और 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है? तो दिए गए ऑप्शंस में से टीबी हमारा स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बिट किसका लघु रूप है? तो बिट जो है बाइनरी डिजिट का लघु रूप है। और अगर पूछा जाए बिट का फुल फॉर्म क्या होगा, बिट से आप क्या समझते हैं? तो बिट का मतलब बाइनरी डिजिट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, एक बाइट में कितने विकल्प होते हैं? तो गाइज एक बाइट में कितने विकल्प होते हैं? 8 होते हैं ना, 8 बिट्स होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? तो ये बिट कहलाती है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कितना बाइट मिलकर 1 किलोबाइट बनाता है? तो ये 1024 बाइट मिलकर जो है 1 किलोबाइट बनाता है, है ना। 1024 बाइट्स मिलकर क्या बनाता है? 1 KB, 1 किलोबाइट बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बाइनरी नंबर प्रणाली में कितने अंक होते हैं? तो बाइनरी नंबर प्रणाली अर्थात द्वि आधारित संख्या पद्धति, तो इसमें कितने अंक होंगे? तो इसमें 2 अंक होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्षरों तथा चिन्हों को बाइटों में स्टोर करने की विधि को क्या कहते हैं? कोडिंग सिस्टम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किसमें मापी जाती है? तो गाइस बिट में मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लॉजिक गेट क्या है? यह एक प्रकार का सर्किट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर पर
इन्फॉर्मेशन किस रूप में स्टोर किया जाता है, तो ये गाइस डिजिटल डाटा रूप में स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कौन सा प्रोग्राम है जिससे कंप्यूटर का उपयोग करना आसान हो जाता है, तो ये यूटिलिटी है, ठीक है, यूटिलिटी प्रोग्राम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रोग्राम में त्रुटि जिससे गलत या अनुपयुक्त परिणाम उत्पन्न होते हैं उसे क्या कहते हैं, तो कंप्यूटर के प्रोग्राम में जो त्रुटि होती है उसे बग कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को किसमें बदलना होता है, तो डाटा को किसमें बदलना होता है, सूचना में बदलना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की एक प्रक्रिया है उसको क्या कहते हैं, डीबगिंग कहते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर की भौतिक बनावट क्या कहलाती है, तो कंप्यूटर की भौतिक बनावट हार्डवेयर कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, डॉस का पूरा नाम क्या है, तो डॉस का पूरा नाम होगा डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। और डॉस का एक्सटेंशन अगर पूछा जाए फाइल विस्तार करने का ना, तो वो बैट होगा। ओके गाइस, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। इसमें विषम शब्द है, विषम शब्द क्या है, चलिए देखते हैं। एमएस डॉस, एक्सेस, यूनिक्स, विंडोज 98, तो इसमें गाइस अलग है हमारा एक्सेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिक्स का विकास कब हुआ, इंपॉर्टेंट है गाइस, इंपॉर्टेंट ऑलमोस्ट क्वेश्चंस हैं, तो आप सभी को लिख लीजिएगा तो अच्छा रहेगा, है ना, 1969 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूनिक्स की मुख्य भाषा है, तो यूनिक्स की मुख्य भाषा असेंबली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कि कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है, तो काम करने के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सॉफ्टवेयर जो है कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है, तो कंप्यूटर के हार्डवेयर को सिस्टम सॉफ्टवेयर नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपाइलर कंप्यूटर की किस प्रकार की भाषा है, तो कंपाइलर गाइस जो है कंप्यूटर की किस प्रकार की भाषा है, तो ये इसका राइट आंसर है निम्न स्तरीय भाषा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर में उपयोग के लिए बाजार में बिकने वाले प्रोग्राम को क्या कहते हैं, तो प्रोग्राम को हम लोग सॉफ्टवेयर पैकेज कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यूनिक्स की विशेषताएं क्या हैं, यूनिक्स की विशेषताएं क्या हैं, तो ये केन थॉम्सन, मतलब यूनिक्स की केन थॉम्सन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर की असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीनी भाषा में बदलने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो असेंबलर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संबंध बनाने की तकनीक या सुविधा को क्या कहते हैं, तो इसको इंटरफेस कहते हैं, ठीक है, बीच संबंध बनाने की तकनीक इंटरफेस कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए मूल प्रोग्राम को क्या कहते हैं, तो मूल प्रोग्राम को गाइस हम लोग कहते हैं स्रोत प्रोग्राम, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस ऑपरेटिंग सिस्टम में उपयोगकर्ता एक साथ कई कंप्यूटर ऑपरेट कर सकता है, तो गाइस किसमें कर सकता है, टाइम शेयरिंग में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में, ओरेकल है ये क्या है, डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टैली सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है, किस लिए किया जाता है, तो अकाउंटिंग के लिए किया जाता है। CDA का तात्पर्य है, CDA का, तो CDA होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन, ये है हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा, रिज्यूमे बनाने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है, तो रिज्यूमे बनाने के लिए गाइस हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, ए और बी दोनों का, ठीक है, पेज मेकर का और एमएस वर्ड का, दोनों का कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस वर्ड किसका उदाहरण है, तो एमएस वर्ड हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी प्रोग्राम के मानव द्वारा पठनीय वर्जन को क्या कहा जाता है, तो पठनीय वर्जन को प्रोग्राम कोड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक बार में एक स्टेटमेंट को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट करता है कौन, तो ये इंटरप्रेटर ऐसा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पहले से चल रहे कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना क्या कहलाता है, तो रीस्टार्ट करना रीबूटिंग कहलाएगा, ठीक है, पहले से चल रहे कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना रीबूटिंग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोस्ट का पूरा नाम होता है, पोस्ट का फुल फॉर्म बताना है आपको, हाँ, तो इसका राइट आंसर होगा गाइस, पोस्ट का पूरा नाम होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट होगा, ठीक है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लाइनेक्स किस किस्म का सॉफ्टवेयर है, तो लाइनेक्स जो है हमारा ओपन सोर्स का सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब एक कंप्यूटर में
दो प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे पैरेलल प्रोसेसिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर में एक्सेस के लिए यूजर्स अक्सर क्या उपयोग करते हैं, तो क्या उपयोग करते हैं, टर्मिनल का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस टोपोलॉजी में नेटवर्क कंपोनेंट एक ही केबल से कनेक्ट किए जाते हैं, तो किसमें, बस में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक ही केबल से, बस में क्या होता है, एक केबल होती है फिर यहाँ ऐसे ऐसे लगे होते हैं ना सिस्टम, एक ही केबल का होता है, ये नेटवर्किंग बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियमों का एक सेट है, तो नियमों का एक सेट क्या कहलाता है, प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ रूल्स, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उस नेटवर्क टोपोलॉजी का क्या नाम है जिसमें प्रत्येक संभावित नोड में द्विदिशीय कड़ियाँ हैं, जिसमें द्विदिशीय कड़ियाँ हैं, इसको क्या कहते हैं, कौन सी टोपोलॉजी कहते हैं, मेश टोपोलॉजी, ठीक है। मेश टोपोलॉजी, टोपोलॉजी क्या होता है, जो कि नेटवर्क के लिए स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है, उसी को टोपोलॉजी कहते हैं, उसी डिजाइन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैसे रिंग टोपोलॉजी हुआ, तो रिंग में क्या होगा, ऐसे गोला होगा और एक यहाँ लग गया, यहाँ लग गया, यहाँ, तो वो आकार फाइनली कौन सा आ जाएगा, रिंग का आ जाएगा, तो दैट इज कॉल्ड रिंग टोपोलॉजी। जिसमें ट्री का आकार बन जाए, है ना, जिसमें ट्री का आकार बन जाए, एक कंप्यूटर इधर ऐसे 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 करके ब्रांचेज निकले, तो वो ट्री टोपोलॉजी। जिसमें बस का आकार बने वो बस टोपोलॉजी कहलाएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हमारा, किसका लघु रूप है, किसका लघु रूप है, मतलब किस नेटवर्क का सबसे छोटा रूप होता है, तो वो लैन का होता है, लोकल एरिया नेटवर्क का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टिपिकल नेटवर्क में सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है कौन सा है, नेटवर्क सर्वर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेब पेज का एक वर्ड जिसे क्लिक करने पर दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है उसे क्या कहते हैं, उसे हाइपरलिंक कहते हैं, ठीक है। ईमेल भेजते समय किस लाइन में संदेश की विषय वस्तु के बारे में बताया जाता है, तो किस लाइन में बताते हैं कि किस विषय की सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में बताया जाता है ना, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, अनसॉलिसिटेड ईमेल को क्या कहते हैं, तो गाइज अनसॉलिसिटेड ईमेल अर्थात अवांछित ईमेल को क्या कहते हैं, अवांछित ईमेल को स्पैम कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की पहली राजनीतिक पार्टी जिसने इंटरनेट पर अपना वेबसाइट बनाया था, तो कौन सी, बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में सर्वप्रथम किस राज्य ने इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध कराई थी, तो किसने कराई थी, सिक्किम ने, सिक्किम राज्य ने सर्वप्रथम इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध कराई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, HTML का पूरा नाम बताना है, तो HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इंटरनेट किसके द्वारा चलाया जाता है, तो इंटरनेट किसके द्वारा चलाया जाता है, BSNL के द्वारा, IETF के द्वारा, या फिर आपके इंटर NIC के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं, तो गाइस इनमें से कोई नहीं हमारा सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो डिवाइस दो या दो से अधिक नेटवर्कों को जोड़ता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे गेटवे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, HTTP का उपयोग करती है, HTTP का उपयोग कौन करती है, वेब पेज करता है ना, वेब पेज को हम ऑन करते हैं तो पहले ही लिखा होता है HTTP, ये करके, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, WWW प्रोटोकॉल का उपयोग करता है, कौन करता है, HTTP करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोई वेबसाइट एक्सेस करने पर सबसे पहले जो पेज या मेन पेज दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे होम पेज कहते हैं, होम पेज, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कंप्यूटर को इंटरनेट में जोड़ने में मदद करता है, कौन मदद करता है, नेटफिट, ब्राउजर, केबल, या ये सभी, तो कंप्यूटर को इंटरनेट में जोड़ने में मदद करता है ब्राउजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ORG का संबंध किस क्षेत्र से है, तो ORG अर्थात ऑर्गेनाइजेशन, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संगठन, है ना, जो एजुकेशन से जो रिलेटेड होते हैं वेबसाइट, उसमें EDU लास्ट में लगा होता है ना, ORG अर्थात ऑर्गेनाइजेशन, और GOV अर्थात गवर्नमेंट, ये सब डोमेन नेम है, ठीक है। हाँ देखो अभी क्या, डोमेन .com डोमेन का संबंध है, तो .com डोमेन का संबंध है व्यापारिक संस्था से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में इंटरनेट की सुविधा कब से प्रारंभ हुई, तो 1995 से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वेबसाइट का एड्रेस निम्नलिखित में से क्या कहलाता है, तो वेबसाइट का एड्रेस URL एड्रेस कहलाता है, ठीक है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, URL का फुल फॉर्म होगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मोडेम का पूरा नाम क्या होगा, तो मोडेम का पूरा नाम होगा मोडुलेटर डीमोडुलेटर, ठीक है, मोडुलेटर डीमोडुलेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ईमेल का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
इंटरनेट का पूरा नाम क्या है? तो इंटरनेट का पूरा नाम है इंटरनेशनल नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूचना पथ किसे कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट एंड पॉपुलर क्वेश्चन है, इंटरनेट किसे, इंटरनेट को कहा जाता है, सूचना राजपथ इंटरनेट को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईमेल के जन्मदाता किसे माना जाता है? तो रे टॉमलिंसन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, WWW के आविष्कारक हैं, तो WWW के आविष्कारक कौन है? टिम बर्नर्स ली। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। और जे एस किल्वी ने किसका आविष्कार किया था? हम लोग पढ़ चुके हैं, आईसी का आविष्कार किया था, ठीक है। चार्ल्स बैबेज ने किसका आविष्कार किया था? कंप्यूटर का, और इन्हें ही फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल कौन सा है? ये TCP/IP है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सबसे लोकप्रिय इंटरनेट गतिविधि है किसकी? संप्रेषण की, अर्थात कम्युनिकेशन की, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वेब पेज को रीलोड करने हेतु कौन सा बटन दबाए जाते हैं? तो रीलोड करने के लिए रिफ्रेश बटन को प्रेस करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ईमेल लिखना किसके समान है? ईमेल लिखना किसके समान है? पत्र लिखने के समान है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोशन पिक्चर क्लिपों को बदलने के लिए किस प्रकार का सॉफ्टवेयर प्रयोग किया जाता है? तो मोशन पिक्चर क्लिपों को बदलने के लिए वीडियो एडिटिंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल का भाग नहीं है? तो ईमेल का भाग कौन सा नहीं है? ये बॉक्स वाला नहीं है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन निशुल्क ईमेल सेवा प्रदान करता है? तो रेडिट मेल, याहू, हॉटमेल, ये सभी निःशुल्क प्रदान करते हैं। हाँ, ये सभी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सॉफ्टवेयर में कमांडो और ऑप्शनों की सूचियाँ होती हैं किसमें? मेनू बार में, मेन पेज में, या टूल बार में, अथवा इनमें से कहीं नहीं? तो सॉफ्टवेयर में कमांडो और ऑप्शनों की सूचियाँ टूल बार में हमको दिखाई देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस ऑफिस 2000 को किस कंपनी ने बनाया था? एमएस ऑफिस 2000 को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक हैं? तो बिल गेट्स हैं हमारे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक, और पॉल एलन भी हैं, ठीक है। पॉल एलन भी हैं, बिल गेट्स भी हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, विंडोज़ सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया, विंडोज़ सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन देखते हैं, IBM द्वारा किया गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा, IBM, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, MS विंडोज किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? MS विंडोज किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो ये GUI प्रकार का सॉफ्टवेयर है। GUI का फुल फॉर्म होगा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडोज 98 का विकास कब हुआ? तो इसका विकास जो है, जो विंडोज 98 क्या है, वर्जन है विंडो का, है ना, तो इसका विकास कब हुआ? 1998 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, चिकित्सा शास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? तो हिप्पोक्रेट्स को कहा जाता है। चलो, जीके का भी क्वेश्चन मिला आपको, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में इंटरनेट उपभोक्ताओं की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? तो इंटरनेट उपभोक्ताओं की सर्वाधिक संख्या महाराष्ट्र में है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटरों वाला देश कौन सा है? तो ये गाइज हमारा अमेरिका है, संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फेसबुक का सबसे अधिक यूजर किस देश के हैं? फेसबुक के सबसे अधिक यूजर किस देश के हैं? तो ये भी गाइज अमेरिका के ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कीबोर्ड को हिंदी में क्या कहते हैं? तो कीबोर्ड को हिंदी में क्या कहेंगे? कुंजी इसमें लगी होती तो कुंजी पटल इसको बोल देंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, ट्विटर के सबसे अधिक यूजर किस देश में है? तो ट्विटर टी फॉर टर्की में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से किसका संबंध कंप्यूटर के प्रोसेसर से नहीं है? तो किसका नहीं है? डुअल कोर का तो आता है प्रोसेसर, i7 भी है प्रोसेसर, सेलरो भी है, एंड्रॉयड का संबंध नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखते हैं अगला क्वेश्चन, स्क्रीन पर प्रदर्शित पिक्सल की संख्या को किसके नाम से जाना जाता है? तो इसको स्क्रीन रेजोल्यूशन नाम से जाना जाता है। दक्षिण गंगोत्री स्थित हैं, कहाँ स्थित हैं? अंटार्कटिका में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टेक्स्ट में आपकी पोजीशन कौन दिखाता है? तो टेक्स्ट में हमारी पोजीशन कौन दिखाएगा? कर्सर दिखाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्सर जहाँ क्लिक होगा वहीं पर तो लिखना स्टार्ट होता है, जैसे हम स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्कशीट में सेलों का आयताकार समूह
निम्न में से कौन सा है, सेलों का आयताकार समूह बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा सेल रेंज। ठीक है, पर सीट में सेलों का आयताकार समूह निम्नलिखित में से कौन सा दर्शाता है, सेल रेंज दर्शाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्टोरेज डिवाइस के मेन फोल्डर को क्या कहते हैं। स्टोरेज डिवाइस के मेन फोल्डर को क्या कहते हैं, रूट डायरेक्टरी कहते हैं। ठीक है, रूट डायरेक्टरी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रिंट के लिए कौन सा मेनू सेलेक्ट किया जाता है। तो प्रिंट के लिए कौन सा मेनू सेलेक्ट करेंगे, प्रिंट करना है तो वो फाइल मेनू सेलेक्ट करेंगे, और फाइल मेनू में ऑप्शन होगा न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट, तो प्रिंट से हम प्रिंट कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कट कॉपी और पेस्ट करने के लिए किस मेनू को सिलेक्ट करेंगे। तो एडिट मेनू को सिलेक्ट करेंगे। कट कॉपी पेस्ट एंडो रीडो ये सारे ऑप्शंस किस में होते हैं, एडिट में होते हैं। ठीक है, फाइंड रिप्लेस ये सारे एडिट मेनू में मिलेंगे आपको। अगला क्वेश्चन हमारा, एक्सेल में एक्टिव सेल के कंटेंट्स को कौन डिस्प्ले करता है। तो ये फार्मूला बार हमारा करेगा। ठीक है, एक्टिव सेल को कौन डिस्प्ले करेगा, फार्मूला बार करेगा। जो सेल हमारी सिलेक्ट होती है ना, उसमें जो भी फार्मूला लगा होता है वो कहाँ दिखेगा, तो फार्मूला बार में दिखेगा। और नेम बॉक्स में क्या दिखता है, नाम दिखता है कि सेल का नाम क्या है, जो सेल सेलेक्ट है उसका नाम दिखता है कि A4 है कि A5 है, ये चीज़। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर में संचित फाइलों के समूह को क्या कहते हैं। तो इसको क्या कहेंगे, कंप्यूटर में जो स्टोरेज फाइलें होती हैं इनको देखते हैं डायरेक्टरी कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किसी डेटाबेस के डाटा फाइलों की सूची को क्या कहा जाता है। किसी डेटाबेस के डाटा फाइलों की सूची को डाटा डिक्शनरी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में स्पेलिंग को सही करने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं। तो स्पेलिंग को जो चेक करता है वही सही करता है, स्पेलिंग चेक कहते हैं। इसकी शॉर्ट की होती है F7। ठीक है, F7 होती है स्पेलिंग एंड चेकर। ठीक है, हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारे वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है। सारे वर्ड डॉक्यूमेंट का अर्थात एमएस वर्ड का पूछ रहा है ना, ये समझना आपको पड़ेगा एग्जाम हॉल में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, DOC। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कॉलम में टेक्स्ट प्रायः अलाइन होते हैं। कोई कॉलम है उसमें टेक्स्ट किस अलाइन होता है, तो टेक्स्ट गाइज लेफ्ट अलाइन होता है। ठीक है, और अगर यहाँ पर टेक्स्ट की जगह नंबर लिखा होता, नंबर कौन से अलाइन होते हैं, तो नंबर राइट अलाइन होते हैं, राइट अलाइन। क्योंकि नंबर गाइज हम लोग कैसे लिखते हैं, राइट टू लेफ्ट लिखते हैं ना, 0, 1, 2 इस तरीके से लिखते हैं ना जोड़ने के लिए, और टेक्स्ट जो लिखते हैं वो लेफ्ट टू राइट लिखते हैं ऐसे करके, तो वही इसका अलाइन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाइन मतलब किस तरफ से लिखेंगे, है ना, किस तरफ से लिखना स्टार्ट होता है या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेल में किस विकल्प के प्रयोग से चार्ट बनाए जा सकते हैं। चार्ट बनाना है आपको एक्सेल में, तो कहाँ से बना सकते हो आप, चार्ट विजर्ड से बना सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाय डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट किस मोड में प्रिंट होता है। तो ये डिफ़ॉल्ट पेज सेटिंग क्या होती है, पोर्ट्रेट होती है, तो ये पोर्ट्रेट में ही प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, डिफ़ॉल्ट अर्थात जो पहले से सेट हो, है ना, जो रियलिटी हो, रियल में वास्तविकता जो उसकी हो, तो वास्तविक रूप से पेज सेटिंग प्रिंटर के लिए पोर्ट्रेट ही लगा रहता है। अगर हमें लैंडस्केप करना है तो हमें सेटिंग चेंज करनी पड़ेगी। पोर्ट्रेट क्या होता है, पोर्ट्रेट में पेज की लंबाई ज़्यादा होती है और लैंडस्केप में पेज की चौड़ाई ज़्यादा होती है। ठीक है, दिस इज़ लैंडस्केप, दिस इज़ पोर्ट्रेट। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, डायरेक्टरी को क्या कहा जाता है। डायरेक्टरी के अंदर जो डायरेक्टरी होती है उसको सब डायरेक्टरी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को क्या कहा जाता है। तो रिकॉर्ड के समूह को डाटाबेस कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, नई स्लाइड के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है। नई स्लाइड के लिए Ctrl+M लेते हैं, नई स्लाइड हम लेते हैं Ctrl+M से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Ctrl+M गाइस सही आंसर है ना, क्योंकि नई स्लाइड हम लोग पावर पॉइंट में लेंगे और पावर पॉइंट में न्यू स्लाइड लेने के लिए Ctrl+M करते हैं, 100% सही है, इसमें आप कंफ्यूज ना होना, Ctrl+N मत करना। ठीक है, और अगर आपको MS वर्ड में नया पेज लेना तो आप Ctrl+N करेंगे, लेकिन पावर पॉइंट की बात हो रही तो आपको नई स्लाइड के लिए Ctrl+M करना होगा। और अगर गाइस पूछा जाता है कि पेज सेटिंग, तो आपके MS वर्ड की डिफ़ॉल्ट पेज सेटिंग पोर्ट्रेट होती है, जबकि पावर पॉइंट की लैंडस्केप होती है। ठीक है, एक्सेल की भी पोर्ट्रेट रहेगी। अगर सीखा होगा आपने, बेसिक कंप्यूटर किया होगा, तो आपको ये समझ में आ रही होगी लैंग्वेज, है ना, पोर्ट्रेट लैंडस्केप। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक्सेल में सेल की पहचान निम्न में से कौन
करता है। सेल की पहचान कौन करेगा एक्सेल में? तो गाइस सेल की पहचान तो हमारा कौन करेगा? एड्रेस बार ही करेगा, एड्रेस ही बताएगा ये कौन सा सेल है, A4 है कि B4 है, एड्रेस बार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण कहाँ किया गया था? तो परम का निर्माण आपने जाना कि परम जो है भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है, किस कंपनी ने किया? सीडेक ने किया। तो सीडेक कहाँ कंपनी की, कहाँ की कंपनी? महाराष्ट्र पुणे की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिजिटल कंप्यूटर किस कार्य पद्धति, किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो ये गणना एवं तर्क पर आधारित होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निर्वात ट्यूब किस पीढ़ी के कंप्यूटरों में से संबंधित है? तो निर्वात ट्यूब किस पीढ़ी के कंप्यूटरों से संबंधित है? तो ये गाइस प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों से संबंधित है। निर्वात ट्यूब को ही इंग्लिश में वैक्यूम ट्यूब्स कहा जाता है ना, आई बात समझ में? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर प्रयोग करते थे, किसका प्रयोग करते थे? निर्वात ट्यूब का या वैक्यूम ट्यूब का, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन का संबंध किस उद्योग से है? तो माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन का संबंध जो है आपके कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गूगल क्या है? गूगल बाबा क्या है भैया? सब कुछ देते हैं आप जो बोलते हो, सर्च इंजन है ना, आप कुछ भी बोलो गूगल बाबा तुरंत ला के देंगे आपको। IBM क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ये IBM क्या है? एक कंपनी है ना, ये टेक्निकल क्षेत्र में नंबर वन पर कंपनी है IBM। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट का नवीनतम ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्या है नवीनतम? तो कई अब तो नवीनतम कई सारे आ गए ना, विंडोज 12 और सारी चीज़ें, तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो इसका राइट आंसर होगा विंडोज 7, लेकिन इस समय तो विंडोज 10 भी है, 8 भी है, 12 तक डेवलप हो चुकी हैं, तो आप ऑप्शन देख करके करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर बंद होने पर किसके कंटेंट्स नष्ट हो जाते हैं? तो कंप्यूटर अचानक बंद हो गया, लाइट चली गई, तो मेमोरी जो हमारी है प्राइमरी मेमोरी के कंटेंट्स नष्ट हो जाते हैं, अर्थात इरेज हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर में बिल्ट परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं? तो परमानेंट मेमोरी को रोम कहते हैं, रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को गाइज हम लोग कहते हैं, कौन सा मुख्य होता है? मदरबोर्ड। मदरबोर्ड जो है कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड होता है, इसी में सारी चीज़ें सेट होती हैं, चाहे रैम हो चाहे रोम हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाली निवेश युक्ति है, तो कौन सी निवेश युक्ति सबसे अधिक प्रयोग होने वाली? माउस सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मूल निवेश निर्गम प्रणाली कंप्यूटर में विद्यमान रहती है, मूल निवेश निर्गम प्रणाली कंप्यूटर में विद्यमान रहती है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यादृच्छिक अभिगम स्मृति में। अगला क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई का परास होता है, ये क्या होता है? मतलब शब्द लंबाई कितनी होती है? तो सुपर कंप्यूटर की 64 बिट की होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाइनरी कोड में संख्या 7 लिखी जाती है, बाइनरी नंबर निकालना है 7 का, तो 7 का आप कैसे निकालोगे? चलो यहाँ आपको बताती हूँ, आप पहले ये बना लीजिए, जैसे आप लोग HCF LCM वगैरह निकालते हैं, यहाँ 7 लिख दीजिए, इसको 2 से डिवाइड करिए, 2 3 6 होता है, कितना बचा? 1 बचा, 1 लिख दो यहाँ पे, फिर 2 दूना 2 का टेबल कितनी बार पढ़े? चलो एक बार फिर से बताती हूँ, हाँ अब देखो 7 का हमें बाइनरी निकालना है, आप 7 यहाँ लिखे ऐसे, जो शेषफल बचे उसको इधर लिखना है और 2 से डिवाइड करना है, तो 2 3 6 होगा, 1 हासिल बचेगा हमारा, शेषफल बचा 1, तो 1 यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, फिर 2 का भाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे कि 3 से जाता ना, 2 1 9 2, यहाँ पर कितना बचा? 1 बचा शेषफल, है ना। तो अब हम कैसे इसको लिखेंगे, तो हमारा कितना हो जाएगा 1 1 1, यही 3 हमारे जो है 7 का बाइनरी कोड होगा, 111। देखते हैं ऑप्शन अब, हाँ तो ऑप्शन में है हमारा 1 1 1, यही हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गाइज इसमें जैसे निकल जो भी निकलता है, जो भी 10101 जो भी है, तो इसको इकाई अंक से लिखोगे और राइट टू लेफ्ट लिखना 1011, इस तरीके से, है ना, क्योंकि ऑप्शन दोनों टाइप के आपको मिल सकते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि डॉट मैट्रिक्स किसका एक प्रकार है, तो डॉट मैट्रिक्स एक प्रिंटर का प्रकार है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से उस यंत्र का नाम बताइए जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है, तो टेलीफोन लाइन से मॉडम जोड़ता है, ठीक है, मॉडम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर में विंडो एक प्रकार का है, कंप्यूटर में विंडो एक प्रकार का क्या है? सॉफ्टवेयर है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर वायरस केवल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो मुख्यतया नष्ट करते हैं। कंप्यूटर वायरस केवल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो मुख्यतः नष्ट करता है। तो क्या है ये, किसको नष्ट करता है, जो मुख्यतः नष्ट करते हैं, किसको नष्ट करते हैं, प्रोग्रामों को नष्ट करते हैं ना, उसकी कार्बन कॉपी तैयार करके ऐसी की तैसी कर देते हैं फाइल की। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी नहीं है, तो कौन सी नहीं, प्रकाश भंडारण। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर है, तो विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है, T3A है, ठीक है, T3A। और गाइज अगर यहाँ पर पूछा जाए विश्व का सबसे तीव्र सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो आपको फुगाकू लगाना है, ठीक है, क्या लगाना है, फुगाकू। ये लेटेस्ट करंट का क्वेश्चन है कंप्यूटर से रिलेटेड। फुगाकू जो है जापान का कंप्यूटर है जो प्रेजेंट टाइम सबसे लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर है, ठीक है। इसने किसको पीछे किया है, सुमित को पीछे किया है, SUMMIT, इसने सुमित को पीछे किया। इससे पहले सुमित था हमारा नंबर वन पर सुपर कंप्यूटर की रेंज में। सुमित जो है अमेरिका का कंप्यूटर है, जबकि फुगाकू जो है जापान का कंप्यूटर है। अब फुगाकू ने क्या किया है, सुमित पर अटैक करके नंबर वन खुद बैठ गया है, बन गया है ना। चलिए, और अगर गाइज पूछता है कि भारत का लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है जो सबसे अधिक तेज है, तो भारत का जो है प्रत्युष एंड मिहिर कंप्यूटर आएगा, जो कि नोएडा में है ना, नोएडा में है। और कार्य क्या करता है प्रत्युष एंड मिहिर, ये कार्य जो है मौसम संबंधी सबसे सटीक जानकारी देता है, सबसे सटीक। विश्व में ऐसा कोई कंप्यूटर नहीं जो मौसम के संबंध में सटीक जानकारी दे, ऐसा अपने यहाँ का है भारत का। कौन सा, प्रत्युष एम मिहिर सुपर कंप्यूटर, प्रत्युष एंड मिहिर सुपर कंप्यूटर, ठीक है। बात करते हैं अनुपम क्या है, अनुपम, अब क्या हो सकता है अनुपम, अनुपम भी एक सुपर कंप्यूटर है हमारा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किया संस्था ने, मतलब परम सुपर कंप्यूटर का विकास किसने किया, सीडैक ने किया, कहाँ की है, पुणे महाराष्ट्र की है ना, ये कंपनी कहाँ है, पुणे महाराष्ट्र में। कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई है, कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई बिट है, बता चुके हैं आपको। बिट का फुल फॉर्म क्या होता है, बाइनरी डिजिट होता है। माइकल एंजेलो वायरस है, माइकल एंजेलो वायरस है, कैसा है, ये एक कंप्यूटर वायरस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सारे कंप्यूटर में लागू होती है, सारे कंप्यूटर में लागू होती है कौन सी भाषा, मशीनी भाषा, मशीनी भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एप्पल क्या है, एप्पल क्या है, एक फल चौथी पीढ़ी का एक कंप्यूटर है, ठीक है। एप्पल जो है एक फल भी है और यहाँ कॉमा लगाना होना चाहिए, और चौथी पीढ़ी का एक कंप्यूटर भी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एप्पल के मोबाइल आप लोग बहुत खरीदते होंगे, मोबाइल फ़ोन जो हम लोग यूज कर रहे हैं ये भी हमारे चौथी पीढ़ी के उदाहरण हैं, है ना, ये माइक्रो कंप्यूटर के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है, तो कौन सी है, अनुपम है, ठीक है। अनुपम किसके द्वारा विकसित की गई, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज कि कौन मस्तिष्क की कार्य प्रणाली की नकल करने वाला सबसे तेज गति वाला कंप्यूटर होगा, तो कौन सा होगा, ये क्वांटम कंप्यूटर होगा, ठीक है, अभी है नहीं, होगा भविष्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक लोकप्रिय विंडोइंग इन्वायरमेंट विंडोज 3 माइक्रोसॉफ्ट द्वारा निर्गत की गई कब निर्गत की गई, 2002 में। अगला क्वेश्चन हमारा, स्पैम किस विषय से संबंधित शब्द है, तो स्पैम किससे संबंधित है, कंप्यूटर से संबंधित है, ठीक है। जो अवांछित ईमेल आया करती हैं, एडवर्टाइजमेंट आया करते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं, स्पैम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अनुमान के अनुसार विश्व की 70% आबादी जिस वर्ष तक नगरों में सिमट जाएगी, वह कौन सा है सन होगा, वो 2050 तक, ठीक है, 2050 तक जो 70% आबादी है वो नगरों में आ जाएगी, ठीक है, नगरों में सिमट जाएगी। फाइल को अक्सर क्या कहते हैं, फाइल को अक्सर क्या कहते हैं, तो गाइस फाइल को हम लोग डॉक्यूमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को क्या कहते हैं, डेटाबेस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नई स्लाइड के लिए कीबोर्ड शॉर्ट की कौन सी है, होती है नई स्लाइड के लिए कंट्रोल एम होती है, रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में अक्षरों के नीचे लाल लहर का निशान, ऐसे 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 आता है ना निशान, क्या दर्शाता है। आप जब वर्ड टाइप करते हैं तो देखते हैं नीचे रेड कलर की लाइन आ रही है, उसका मतलब क्या होता है, वो क्या दर्शाता है, तो गाइस वो दर्शाता है स्पेलिंग में त्रुटि, अर्थात आपने स्पेलिंग
गलत लिखी है, और अगर ग्रीन कलर की लाइन आती है तो वो दर्शाती है कि पंचुएशन मिस्टेक है, या तो आपने स्पेस ज़्यादा कर दिया है, या अक्षर आपको बड़ा बनाना चाहिए, आपने छोटा बना दिया फर्स्ट लेटर, ये दर्शाता है। ठीक है, कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत क्या होता है? तो क्या होता है, कार्य करने का सिद्धांत प्रोसेस होता है, प्रोसेस करता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे गाइस सीपीयू कहते हैं या माइक्रो चिप कहते हैं, है ना, माइक्रो चिप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी बाहरी स्रोत से आती है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड की जाती है, उस सूचना को क्या कहते हैं? उस सूचना को इनपुट कहते हैं। इनपुट किससे? बाहरी स्रोत मतलब कीबोर्ड से जाती है, है ना। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर चलाने के लिए यूज किया जाने वाला डाटा या सूचना क्या कहलाता है? तो कंप्यूटर चलाने के लिए यूज किया जाने वाला डाटा क्या कहलाता है? तो ये डाटा जो है हमारा सॉफ्टवेयर हार्डवेयर पेरिफेरल, कुछ नहीं कहलाएगा इनमें से कोई नहीं। कंप्यूटर चलाने के लिए जो डेटा यूज किया जाता है वो इनपुट डेटा कहलाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रिंट के लिए कौन सा मेनू सेलेक्ट किया जाता है? फाइल मेनू सेलेक्ट करते हैं ना, इसी में ऑप्शन होता है प्रिंट का, और प्रिंट की शॉर्ट की कंट्रोल पी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोक्ता दस्तावेज को जो नाम देते हैं उसको क्या कहते हैं? प्रयोक्ता मतलब यूजर जो है, जैसे हम और आप फाइल बना रहे हैं, फाइल को जो नाम देते हैं उसको क्या कहते हैं? तो फाइल नाम नेम कहते हैं, या फिर रिकॉर्ड डेटा कहते हैं, या प्रोग्राम, या इनमें से कोई नहीं, तो उसको हम लोग फाइल का नाम कहेंगे, है ना, फाइल नेम। और उसी नाम से आप अगले दिन सर्च करोगे तभी ओपन होगी, है ना। अगला क्वेश्चन है, कट कॉपी और पेस्ट करने के लिए कौन सा मेनू सेलेक्ट किया जाता है? तो ये गाइज एडिट मेनू सेलेक्ट किया जाता है, एंडो कट कॉपी पेस्ट फाइंड रिप्लेस सेलेक्ट ऑल, ये सब एडिट मेनू के ऑप्शंस हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, रिलेटेड फाइलों के कलेक्शन को क्या कहा जाता है? तो फाइलों के कलेक्शन को क्या कहेंगे गाइज? फाइलों के कलेक्शन को हम लोग कहेंगे, वैसे तो फाइलों का कलेक्शन कहाँ होता है? फोल्डर में हम लोग रखते हैं, है ना, लेकिन यहाँ पर डेटा बेस होगा क्योंकि फोल्डर ऑप्शन में है ना, और तो इसका राइट आंसर होगा डेटा बेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेकिन गाइज इसका हमें रिकॉर्ड लग रहा है, डेटा बेस रिलेटेड फाइलों के कलेक्शन को क्या कहा जाता है? या तो रिलेटेड फाइलें मतलब बहुत सारी फाइलें हों, है ना, वो रिलेटेड हों एक दूसरे से, तो उसको डेटाबेस कहेंगे, कितना डेटा है। ठीक है, मुझे रिकॉर्ड पता नहीं क्यों लग रहा था, रिकॉर्ड हो सकता है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, विद्यमान डॉक्यूमेंट को परिवर्तित करना डॉक्यूमेंट की क्या कहलाता है? विद्यमान डॉक्यूमेंट को परिवर्तित करना क्या कहलाता है? जो डॉक्यूमेंट है उसको आप कुछ एडिटिंग करें, चेंज करें, तो वो एडिटिंग कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समग्र डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किसे प्रयोग करते हैं? शॉर्ट की सेलेक्ट ऑल की बतानी है ना, समग्र अर्थात संपूर्ण डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल ई का ए का यूज करते हैं, कंट्रोल ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एमएस एक्सेल में चार्ट बनाने के लिए कौन सा विकल्प सही है? एमएस एक्सेल में आपको चार्ट बनाना है तो इसके लिए कौन सा विकल्प सही है? आपको इंसर्ट मेनू में जाना है और चार्ट सेलेक्ट करना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस कमांड की सहायता से हम किसी दस्तावेज को बचा सकते हैं? बचाना मतलब सेव कर सकते हैं, कंट्रोल एस हमारा सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द संसाधन में डॉक्यूमेंट के भीतर टेक्स्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं, किसके द्वारा? कट एवं पेस्ट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्प्रेडशीट में डाटा कैसे ऑर्गेनाइज होता है? तो ये रो एंड कॉलम्स में ऑर्गेनाइज होता है, स्प्रेडशीट अर्थात एक्सेल की जो वर्कशीट होती है वही स्प्रेडशीट कहलाती है। ठीक है, तो वो किस में होती है? रो और कॉलम्स में बटी हुई होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, टेक्स्ट आधारित डॉक्यूमेंट तैयार करने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? तो टेक्स्ट आधारित डॉक्यूमेंट तैयार करने वाले सॉफ्टवेयर को वर्ड प्रोसेसर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्प्रेडशीट प्रोग्राम, उसमें गाइस देखो नोट पैड नहीं था ना, अगर टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम पूछता है कौन सा है तो नोट पैड आंसर होगा आपका। अगला क्वेश्चन है, स्प्रेडशीट प्रोग्राम में किसके संबंध वर्कशीट और डॉक्यूमेंट होते हैं? तो किसके संबंध होते हैं गाइस? ये वर्कबुक के होते हैं ना, वर्कशीट किसके अंदर होती है? वर्कबुक के अंदर वर्कशीट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सारे वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होगा? डीओसी होगा, ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किसी कॉलम में टेक्स्ट प्रायः कौन सा अलाइन होता है? टेक्स्ट हमारा लेफ्ट अलाइन होगा, जबकि नंबर हमारा राइट अलाइन होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, दक्षिणग्राम राष्ट्रीय उद्यान मुख्य रूप से पाया जाता है। तो दक्षिणग्राम राष्ट्रीय उद्यान का मुख्य रूप से किस लिए मतलब प्रसिद्ध है? दक्षिणग्राम राष्ट्रीय उद्यान में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो वहाँ पर मुख्य रूप से तेंदुआ पाया जाता है। आपको कमेंट करके बताना है कि दक्षिणग्राम राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ पे, कहाँ पर है, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंड्रॉयड क्या है? तो एंड्रॉयड क्या है? एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अक्टूबर 2003 में किस कंपनी ने एंड्रॉयड का विकास शुरू किया था? तो किसने शुरू किया था? तो गाइस ये एंड्रॉयड INC ने शुरू किया था 2003 में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2005 में किस कंपनी ने एंड्रॉयड INC का लगभग $5 करोड़ में अधिग्रहण किया था? तो गाइस ये किसने किया था अधिग्रहण? भैया ये गूगल बाबा ने कर लिया था, है ना, गूगल कंपनी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एंड्रॉयड के लिए एंड्रॉयड के नए वर्जन एंड्रॉयड 8.0 का नाम क्या है? तो इसका नाम है ओरियो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइल एक्सटेंशन .avi संबंधित है, ये किससे संबंधित है? वीडियो से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर कौन सी भाषा पर कार्य करता है? तो कंप्यूटर मशीनी भाषा पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था? तो भारत का पहला कंप्यूटर जो है कहाँ स्थापित किया गया था? भारतीय सांख्यिकीय संस्थान कोलकाता में। अगला क्वेश्चन है गाइज, डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ है। तो डेटा प्रोसेसिंग का ये दोबारा आया है, देखो क्वेश्चन, डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ है, वहाँ पर ऑप्शन चेंज थे, यहाँ पर ऑप्शन चेंज हैं। तो डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ है डेटा को उपयोगी बनाना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सबसे तेज कंप्यूटर होता है? तो सुपर ही होता है, रिपीटर होगा, वो जल्दी करेंगे हम लोग, है ना। iMac क्या है? तो iMac आपको बता चुकी हूँ मैं, iMac एक प्रकार की मशीन है, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका संबंध कंप्यूटर के प्रोसेसर से नहीं है? तो एंड्रॉयड का संबंध नहीं है, ये रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। चलो, भारत में कंप्यूटर का प्रथम बार प्रयोग कहाँ किया गया? तो भारत में कंप्यूटर का प्रथम बार प्रयोग कहाँ किया गया था? तो गाइस अभी हम लोगों ने देखा है कि इसका, भारत में कंप्यूटर का प्रथम बार प्रयोग भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में किया गया था, नहीं सॉरी, वो स्थापित किया गया था कोलकाता में, लेकिन प्रयोग के लिए आंसर दिख रहा है आपके आंसर की में, प्रयोग के लिए गाइस आंसर दिख रहा है प्रधान डाकघर बेंगलुरु में प्रयोग किया गया था। स्थापित किया गया था आपके कोलकाता में, लेकिन प्रयोग कहाँ किया गया था? प्रधान डाकघर बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं है? है ना, तो कौन सा नहीं है? गूगल प्लस नहीं है इंटरनेट एक्सप्लोरर। अगला क्वेश्चन हमारा, वेबसाइट नाम में HTTP क्या है? तो ये प्रोटोकॉल है, ठीक है, ए सेट ऑफ रूल्स, प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ रूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये गणना सिद्धांत पर करता है, रिपीटेड क्वेश्चन है। भारत द्वारा निर्मित सुपर कंप्यूटर कौन सा है? भारत द्वारा निर्मित सुपर कंप्यूटर परम 10,000 होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है? तो प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC है हमारा, ENIAC, है ना, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? तो ये अंडरस्टैंडिंग नहीं करता है, रिपीटेड है गाइस, जल्दी देखते हैं, कुछ रिपीटेड है कुछ न्यू है। गणना संयंत्र अबेकस का आविष्कार चीन में हुआ था। चिन्हात्मक डेटा अल्फा न्यूमेरिक डेटा, चिन्हात्मक डेटा में प्रयोग किया जाता है, मतलब चिन्हात्मक जो डेटा होते हैं उनमें प्रयोग किया जाता है, चिन्हों का, अंकों का, अक्षरों का, सभी का किया जाता है, ठीक है, अल्फा न्यूमेरिक डेटा में सभी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो ये चतुर्थ पीढ़ी का होगा आपका, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस है? तो इनपुट हमारी कौन सी डिवाइस है? कीबोर्ड है, बाकी प्रिंटर हमारी आउटपुट है, मॉनिटर भी आउटपुट है। इनमें से कौन कंप्यूटर का गुण नहीं है, कंप्यूटर की क्वालिटी नहीं है? तो जल्द निर्णय लेने की क्षमता है, विविधता है, है ना, वर्सेटिलिटी, गोपनीयता भी है, बुद्धिहीनता नहीं है। बुद्धिहीनता जो है ये कंप्यूटर की क्वालिटी नहीं है, तो कंप्यूटर की जो है क्या है, डिसेबिलिटी है ना, डिफेक्ट है, दोष है उसका, उसकी कमी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बैंकिंग लेन देन में ECS का अर्थ है, तो ECS का अर्थ होगा इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया, तो पंच कार्ड का प्रयोग बता चुकी हूँ आपको, किसने किया था, हरमन हॉलरिथ ने किया था। तो हरमन हॉलरिथ तो इसमें दिख नहीं रहे हैं, तो सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, जोसेफ मैरी ने किया था, है ना, क्योंकि कंपनी किसने स्थापित की थी, हरमन हॉलरिथ ने। पंचकार्ड यंत्र का उत्पादन हरमन हॉलरिथ, पंचकार्ड यंत्र कंपनी किसने स्थापित की थी, हरमन हॉलरिथ ने की थी, और इसी का नाम IBM रख दिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया, किल्बी ने किया। इंफॉर्मेशन का कलेक्शन क्या कहलाता है, जो सूचनाएं होती हैं उनका कलेक्शन क्या कहलाता है, फाइल कहलाता है। ईथरनेट संबंधित है, ये न्यू है, ईथरनेट संबंधित है, किससे संबंधित है, लैन से संबंधित है, ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन डेटाबेस से संबंधित है, डेटाबेस से कौन संबंधित है, MS Access और इसका एक्सटेंशन होता है .DBMS, ये इसका फाइल एक्सटेंशन होता है, इसका फुल फॉर्म होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सोशल मीडिया वेबसाइट नहीं है, तो कौन सी नहीं है, जीमेल नहीं है सोशल मीडिया वेबसाइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जीमेल आप मेल भेजने के लिए यूज करते हो, ना कि सोशल मीडिया के लिए। ऑपरेटिंग सिस्टम का अर्थ है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का अर्थ है प्रोग्राम का सेट जो कंप्यूटर की वर्किंग को कंट्रोल करता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विंडोज एक्सप्लोरर के एक पेन से दूसरे पेन में जाने के लिए कौन सी की का इस्तेमाल करते हैं, तो गाइज F6 का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डेस्कटॉप पर आने के लिए शॉर्ट की कुंजी है, मतलब शॉर्टकट कुंजी क्या है डेस्कटॉप पर आने के लिए, तो भाई डेस्कटॉप पर आने के लिए कंट्रोल ओ शॉर्ट की है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विंडोज प्लस एल का प्रयोग किया जाता है, किस लिए किया जाता है, डेस्कटॉप लॉक करने के लिए, ठीक है, डेस्कटॉप को लॉक करना है तो विंडोज प्लस एल का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रिबूट की शॉर्ट की क्या होती है, कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस डेल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार्ट मेनू को खोलने का शॉर्टकट क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपको ऐसे ही पता होना चाहिए नॉर्मली भी, ठीक है। तो स्टार्ट मेनू को शॉर्टकट की क्या होती है, विंडो बटन होती है ना, विंडो लोगो उसी को बोला गया है, विंडो बटन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विंडोज में निम्न में से कौन सी माउस तकनीक का प्रयोग नहीं होता है, किस माउस तकनीक का प्रयोग नहीं होता, लिफ्टिंग, ड्रैगिंग, डबल क्लिकिंग, क्लिकिंग। तो हम लोग ड्रैग भी करते हैं माउस को, ड्रैगिंग के लिए भी यूज करते हैं, डबल क्लिक भी करते हैं ना, क्लिक भी करते हैं, लिफ्टिंग नहीं होता है ना, लिफ्ट नहीं कर सकते उसको। अगला क्वेश्चन है हमारा, विंडोज में खुले हुए प्रोग्राम्स के बीच में अदला बदली के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो अदला बदली के लिए हम लोग कंट्रोल टैब का, मतलब एक कॉलम ये है, एक कॉलम ये, यहाँ जाना है तो आप प्रोग्राम्स के बीच अदला बदली है, कई सारे प्रोग्राम ओपन है, एक ये प्रोग्राम एक ये, तो अदला बदली करना है आपको, तो आप क्या करोगे, कंट्रोल के साथ में टैब बटन का यूज करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोप्राइटरी ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो प्रोप्राइटरी ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा विंडोज 7 है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विंडोज 10 कब लॉन्च हुआ था, तो विंडोज 10 का जिसको याद कर लेना, क्योंकि ऑलमोस्ट विंडोज ऐसे होते हैं कि वही ईयर होता है ना, लेकिन विंडोज 10 जो है 2015 में जो है लॉन्च किया गया, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कोर्टाना का नाम एक चरित्र के नाम पर रखा गया जो निम्न वीडियो गेम श्रृंखला में है, किसमें है, तो गाइस ये हमारा है हैलो में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विंडोज 10 का संबंध विंडोज के किस परिवार से है, तो विंडोज 10 का संबंध विंडोज NT से है, NT ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विंडोज 10 में नए अंतर्निहित ब्राउजर का नाम क्या है, X, तो इसका नाम है गाइस EDGE, नए अंतर्निहित ब्राउजर, जो विंडोज 10 में नई चीज़ है वो एज है ना, EDGE। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फोल्डर व फाइलों के प्रबंध में किस विंडोज प्रोग्राम का प्रयोग करेंगे, तो इसको एक्सप्लोरर का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विंडोज शटडाउन विकल्प पॉप अप करने की शॉर्ट कुंजी क्या है, तो गाइज इसकी शॉर्ट कुंजी है, शॉर्ट कुंजी मतलब है Alt+F4, है ना, Alt+F4 आप करेंगे शटडाउन का ऑप्शन मिलेगा, लेकिन कब, जब हम डेस्कटॉप पर होंगे तब। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक वैध विंडोज डेस्कटॉप पेन नहीं है, तो कौन सा नहीं है, यह है सिस्टम ट्रे, ऑप्शन नंबर ए।
हमारा सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी विंडोज की एक वैध फाइल सिस्टम नहीं है? तो ये गाइज FAT8 ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, CDA का फुल फॉर्म तो कंप्यूटर एडेड डिजाइन होगा। रिज्यूमे बनाने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हैं? तो हम लोग पेज मेकर और एम एस वर्ड दोनों का प्रयोग करते हैं। तो गाइज हमने कंप्लीट कर लिए है 350 प्रश्नों की अपनी सीरीज, है ना। तो कैसी रही आज की सीरीज, कैसा लगा आपको आज का सेशन, प्लीज़ कमेंट जरूर करना और वीडियो को लाइक अवश्य करना, है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।